हाय गाइस, आई एम विजय और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं एक नई ट्रिप पे ले जा रहा हूँ आपको, और आज आप देख रहे हैं मेरे पीछे और आज हम लोग थोड़ा एडवेंचर के मूड में भी हैं, और जो हमारी ट्रिप रहेगी बहुत थोड़ी एडवेंचर रहने वाली है, क्योंकि हमें जिस रूट से जाना है वो रूट सात नदियों का है और घने फॉरेस्ट के बीच में। तो मैं आपको वहाँ से आपको जो हमारा ट्रिप रहेगा मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। दूसरा, उसके बाद हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन होगी वो होगी शाकुंभरा देवी मंदिर। आज मैं उसी मंदिर के बारे में आपको बताऊँगा और एक रास्ता ऐसा भी दिखाऊँगा जहाँ से पूरा रिजर्व फॉरेस्ट रूट है, और देखते हैं हमें उसके लिए परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है। और मिलती है तो मैं आपको उस रूट को भी दिखाऊंगा और उसमें दिखाऊंगा, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो मैं जंगली जानवर होंगे उनको भी दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग अभी खड़े हुए हैं डाट वाली रूट पे, जहाँ से दो रूट डाइवर्ट हो रहे हैं, एक डाट वाली मंदिर के लिए, दूसरा आप मेरे पीछे टर्नल देख रहे हैं, ये टर्नल भी वहीं जाएगा और डाट वाली रूट वाला भी रास्ता सेम ही है, ये दोनों एक ही जगह जाके मिल जाते हैं। तो लेट्स गो। उत्तराखंड का बॉर्डर, दोनों एक ही जगह मिलते हैं। और अब ये हम उत्तराखंड से बाहर निकल रहे हैं इस चेक पोस्ट के बाद, अब हम लोग यूपी में एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ चेकिंग है, ये लास्ट पॉइंट है उत्तराखंड और सहारनपुर का। अब यहाँ से हम लोग यूपी में एंट्रेंस कर चुके हैं और इसी के थोड़ा सा आगे चलते ही जिस जगह हमें जाना है, जिस एडवेंचर की हम बात कर रहे थे, वो शुरू होगा। अब थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, अब हम लोग को परमिशन भी लेना है, देखते हैं कि परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती, और हम लोग ट्राई करेंगे, फॉरेस्ट वालों से बात करेंगे कि अगर वो हमें परमिशन देते हैं यहाँ से जाने की, तो होप सो
बाकी चीज आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम लोग जंगल के अंदर हैं, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। ये पहली नदी है, आप देखिए सामने की तरफ, और पूरा घना इलाका है ये जंगल का। आप देख सकते हैं ये नदी के बीच में से रास्ता जा रहा है इसके, और सुंदर तो बहुत है। आप देखिए कितने सकरे रास्ते हैं, ये गाड़ी भी प्रॉपर वे में नहीं चल सकती, इतना घना जंगल है और रोड भी यहाँ सही नहीं है। ये सेकंड नदी है आप देख रहे हैं जैसे, और ये 18 किलोमीटर का रास्ता है जो हम क्रॉस कर रहे हैं, और ये पूरा 18 किलोमीटर ऐसे ही मिलेगा जैसे आप देख रहे हैं रास्ता। हम लोग उम्मीद करते हैं कोई जंगली जानवर हम लोगों को दिख जाए, पर इस टाइम वो निकलते नहीं है, पर होप सो क्योंकि बारिश हुई है। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है इस बार। रोड आप देख रहे हैं, चारों तरफ आप सराउंडिंग देख रहे हैं, कितना घना एरिया है। यहाँ आदमी गाड़ी रोक के उतरना भी नहीं चाहेगा। देख सकते हैं आप दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा, कोई बस्ती नहीं है। बीच में सिर्फ जगह जगह पे 7-8 किलोमीटर के रेंज में फॉरेस्ट का ऑफिस इक्का दुक्का दिख जाए तो दिख जाए। और इन जंगलों में रहने वाले जो गुज्जर लोग हैं, जो डंगर पालते हैं, वो लोग दिख सकते हैं जो यहीं के निवासी हैं। ये देखिए ये सबसे बड़ी नदी है जिसको हम पार कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको रुक के दिखाऊंगा, वैसे रुकने के लिए मनाही है यहाँ, पर मैं आपको रुक के दिखाऊंगा कि यहाँ की लोकेशन कितनी सुंदर है, पर डेंजरस भी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर एरिया है, पर उतना ही खतरनाक भी है। और यही वो रास्ता है जहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ जाने वाला रास्ता। यहाँ के स्थानीय लोग हैं। यहाँ दूर पे एक मेरे को किसी का मकान दिखाई दे रहा है जंगल में, हो सकता है ये किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का घर हो या किसी बड़े रसूखदार लोगों का घर हो।
ये आपकी पांचवी नदी है जिसको हम पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें फ्लड के टाइम पे बहुत तेज पानी आता है, आप देख सकते हैं इसके निशान भी है इधर। अब हम लोग 13 किलोमीटर पार कर चुके हैं अब तक हम लोग, और अब जल्दी चेक पोस्ट आने वाला है। मैं आपको लास्ट चेक पोस्ट दिखाऊंगा। अभी तक 5 नदियां हम लोग पार कर चुके हैं। देख सकते हैं अब हम लोग 6ठी नदी पे पहुंच गए हैं, जो में भी हो सकता है। मैंने सुना है कि 7 नदियां हैं, पर अभी तक हम ये 6ठी नदी पे एंट्रेंस कर रहे हैं और इसको पार कर रहे हैं। ये भी उतनी बड़ी है, इसका भी एरिया उसी हिसाब से बना हुआ है। जब फ्लड आता है तो इसमें बहुत पानी होता है। आप देख सकते हैं गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, ये फायरिंग रेंज भी हो सकती है। मैं आपको जो व्यू दिखा रहा हूँ रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ देखिए आपको ये फायरिंग रेंज दिखाई दे रही होगी, और वहाँ कुछ आर्मी वाले खड़े हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो ये लोग चल रहे हैं, एलिट के फायरिंग कर रहे हैं, ये आर्मी के ही लोग हैं। और फॉरेस्ट के जो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, ये उनका ट्रक खड़ा हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं और पास नहीं जा सकता हूँ इसमें, और ये इनका कैंप लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं, यहाँ से चलते हैं। ये 6ठी नदी है जिस पे ये फायरिंग रेंज हो रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक झुग्गी फंस गई है इस जंगल के बीच में, और मेरा कैमरा क्रू भी साथ में लगा हुआ है, और ये निकल गई झुग्गी। और ये हमारी लास्ट नदी है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ये 7वीं नदी है।
जैसा कि आपको मैंने दिखा दिया, ये 7 नदियाँ पार हम लोगों ने की हैं। ये पूरा रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है और ये हमारा लास्ट पॉइंट था। इसको पार करने के बाद हम लोग मेन रोड पे आ जाएंगे जो शाकुम्भरा देवी के लिए रास्ता जाता है, और इसके बाद हमारा जो शूट होगा वो वहीं होगा। और वहाँ के बारे में मैं आपको बताऊँगा वहाँ की मंदिर परिसर कैसा है और एंट्रेंस कैसी है वो आपको दिखाता हूँ। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके बगल में घंटे का निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा। और आपके कमेंट्स की मेरे को बहुत ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए, और कोई अगर नए आइडियाज़ हों तो वो भी बताइएगा। और चलते हैं अब आगे। अब हम लोग इस जंगल से पार हो चुके हैं, हम लोग 18 किलोमीटर अंदर आ चुके थे, अब मेन रोड पे निकल रहे हैं हम लोग। और ये बैरियर मैं आपको सामने दिखाता हूँ कि ये फॉरेस्ट का बैरियर यहाँ ख़त्म होता है, और यहाँ से हरबतपुर के लिए मेन हाईवे रोड जो है सहारनपुर से आ रही है वो आपको दिखेगी। और ये देखिए आप, शाकुम्भरा देवी मंदिर के लिए राइट टर्न होंगे। ये आप सामने देख रहे हैं, अब हम लोग शाकुम्भरा देवी मंदिर के लिए मेन एंट्रेंस में आ गए हैं। यहाँ पर आप एक छोटा सा मंदिर है और लेफ्ट साइड में मेरे जैसा कि आप देख रहे हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये मेन एंट्रेंस है शाकुम्भरा देवी की। और इसके बाद फिर नदी शुरू हो जाएगी जहाँ से हमें 1 किलोमीटर है अंदर जाना होगा नदी में। ये है शाकुम्भरा देवी मंदिर की एंट्रेंस, ये नदी के अंदर से होके जाना पड़ता है। और ये आप देख रहे हैं कि हम लोग अब शाकुम्भरा देवी पहुँच चुके हैं, और अब हम लोग मंदिर परिसर के पास पहुंचने वाले हैं। और ये रास्ता पूरा नदी में है 1 किलोमीटर का, मैं आपको बिना कट करे ही आपको मंदिर तक का लोकेशन दिखाऊंगा। जब बरसात का टाइम होता है इसमें पानी बहुत आता है तब लोग बड़े परेशानी से इस मंदिर में जाते हैं, और ये मंदिर पूरा नदी के अंदर ही बना हुआ है। आप देखिएगा, बस हम लोग कुछ ही सेकंड्स में वहाँ पहुँचने वाले हैं। और आप एंट्रेंस देखिएगा कैसी है यहाँ की, ये पूरा जंगल के बीच में नदी के अंदर ये मंदिर है, और इसका और कोई रास्ता यहाँ है ही नहीं। अभी यूपी गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में अभी कुछ सोचा नहीं है, और ना कोई यहाँ से कोई अलग से सेपरेट कोई रूट निकाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी रास्ता है यही कच्चा रास्ता है, और जंगल के बीच में से होते हुए हम लोग जाते हैं। आपको मैं पूरी वीडियो ये अनकट दिखा रहा हूँ। ये बस भी वहीं जा रही है, ये यूपी की बस है। ये पूरा मंदिर परिसर नदी के अंदर बना हुआ है। ये हमारी एंट्रेंस हो चुकी है, ये आश्रम बने हुए हैं यहाँ सामने, आप देख रहे हैं छोटे छोटे आश्रम हैं जो लोग यहाँ रहते हैं और जो बाहर से आते हैं घूमने के लिए, के लिए ये रैन बसेरा बनाया हुआ है मंदिर की समिति ने। ये आप देख सकते हैं पूरा मंदिर का एरिया है, और ये रैन बसेरा आप देख रहे हैं शाकुम्भरा देवी जिला परिषद सहारनपुर के थ्रू बना हुआ है। और जब यहाँ मेला लगता है तो बहुत भव्य मेला लगता है यहाँ, और
यही रूट होता है और यहाँ लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई होती हैं और बहुत मान्यता है इस मंदिर की। ये अब आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच चुके हैं लगभग, ये हमारी एंट्रेंस हो रही है। ये शापुंगरा देवी मंदिर की छोटी सी मार्केट है, यहाँ प्रसाद के लिए, खाने के लिए, रुकने के लिए पूरी सुविधा है। ये इनकी कार पार्किंग है। शाकुंभरा देवी मंदिर पहुंच चुके हैं, अब हम लोग मंदिर में एंट्रेंस करने वाले हैं देखने के लिए। और जैसा कि आपने अभी वीडियो देखी है सराउंडिंग कैसी है, और नदी के अंदर ही ये मंदिर बना हुआ है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रसाद लेके अंदर, देखते हैं कि कैसा है। मैंने सुना है अंदर फोटो नहीं खींचने देते हैं, और मैं आपको एंट्रेंस तक ले आया हूँ। मेरे को इस चीज़ का खेद है कि मैं अंदर नहीं ले जा सकता, पर आपको फिर भी मैं जो इसका प्रवेश द्वार है वो दिखाता हूँ आपको। और बाकी अंदर तो हम लोग फ़ोटो खींच नहीं सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड है। कोई बात नहीं, बाकी फिर आके बाद में बात करते हैं हम लोग। आज का ट्रिप हमारा यहीं ख़त्म होता है, और कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। तब तक के लिए स्टे फिट, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।